हेलो दोस्तों, चलते हैं आज पैरेललिंग मोड ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। हमारे पास दो टाइप के लोड रहते हैं, के डब्ल्यू और के वी आर। के डब्ल्यू डिपेंड होता है इंजन की स्पीड पे और के वी आर डिपेंड होता है अल्टरनेटर की वोल्टेज पे। डीजी को पैरेलल कंडीशन में चलाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना होता है, जैसे कि सभी डीजियों की वोल्टेज सेम होनी चाहिए, सभी डीजियों की आरपीएम या स्पीड सेम होनी चाहिए, सभी का फेस है सीक्वेंस सेम होना चाहिए जिससे हमारे डीजी पैरेलल कंडीशन में चल सकें। पैरेलल मोड से पहले डीजी में किसी भी प्रकार की हंटिंग नहीं होनी चाहिए। पैरेलल मोड में हम कुछ पैरामीटर रीड करते हैं, जैसे वोल्टेज, एम्पियर, हर्ट्ज, किलोवाट, पावर फैक्टर में। ये इक्वल होते ही हमारा डीजी पैरेलल ऑपरेशन के लिए रेडी है। अल्टरनेटर में वोल्टेज एडजस्टमेंट एवीआर के थ्रू होती है और इंजन में गवर्नर स्पीड गवर्नर कार्ड के थ्रू होती है, जिससे इंजन की स्पीड कम ज़्यादा की जा सकती है। जहाँ पे पीसीसी कंट्रोल होते हैं वहाँ पे इंजन की स्पीड की गवर्निंग और वोल्टेज एडजस्टमेंट बेस कार्ड खुद करता है। हम जितने भी डीजी पैरेलल में यूज़ करते हैं सभी की गवर्निंग गेन ड्रुप सेटिंग सेम रखते हैं क्योंकि जितना भी लोड आएगा उसी हिसाब से डीजी अपने लास्ट आरपीएम डाउन करेगा हमारी ड्रुप सेटिंग की सेंसिंग लेके। ड्रुप सेटिंग की मदद से हमारे डीजी ऑन लोड आरपीएम इक्वली होते हैं, जिससे लोड शेयर इक्वली रहता है। जैसे गवर्नर गेन की ड्रुप सेटिंग रहती है वैसे ही वोल्टेज ड्रुप सेटिंग रहती है। पैरेलल कंडीशन में हमें ड्रुप सेटिंग वोल्टेज की भी इक्वल होती है, जिससे हमें हमारा वोल्टेज के वी आर बैलेंस रहता है पैरेलल कंडीशन में। यदि वोल्टेज ड्रुप सेटिंग इक्वल नहीं रहेगी तो हमारा डीजी पैरेलल कंडीशन में ऑन लोड में पावर फैक्टर मेंटेन नहीं रहेगा। और बेसिक से जानते हैं कि हमें ड्रुप सेटिंग क्यों ज़रूरी होती है। हम डायग्राम में देख सकते हैं इसमें कोई भी वोल्टेज ड्रुप सेटिंग नहीं डली हुई है, जिससे एक डीजी की वोल्टेज 400 है, दूसरे डीजी की 406 है, जिसमें सर्कुलेटिंग करंट हाई हो जाएगा। जिस कंडीशन में जिस वोल्टेज की डाउन है उस डीजी में रिवर्स पावर आने के चांस है और ट्रिपिंग आ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारे डीजी सेट में सिंक्रोनाइजिंग की प्रॉब्लम आएगी, लोड शेयर की प्रॉब्लम आएगी, मेंटेन नहीं होगा और रिवर्स पावर पर ट्रिपिंग आती रहेगी। ऐसी सिचुएशन में अल्टरनेट में ड्रुप सीटी लगाई जाती है, जिससे हमें कंट्रोलर को पता लगता है कि किसकी कितनी वोल्टेज है और जिससे हम पावर फैक्टर मेंटेन ले सकते हैं। उसी हिसाब से डीजे अपनी दोनों की इक्वली करेगा वोल्टेज। ड्रुप सीटी की मदद से हमारी डीजे की वोल्टेज इक्वल हो जाती है, जिसे हम सिंक्रोनाइजिंग मोड में चला सकते हैं और ऑन लोड भी चला सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाना नोटिफिकेशन के लिए।